शिवानी गुप्ता आज क्या है बताओ? आपको नहीं मालूम? तुम बताओ क्या है? किसी की एनिवर्सरी है। किसकी है? कोई 5 साल पहले लेके आया था कहीं। क्या लेके आया था? मतलब हमको लेके आया था। अच्छा अच्छा। दोस्तों आ चुके हम लोग गंडोला राइड के लिए और आप विश कर सकते हैं शिवानी और मुझको। आज हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी है। 22 नवंबर 2015 को हम लोग की शादी हुई थी और आज ठीक 5 साल हो गए। तो अभी फ़िलहाल कोरोना है, ज़्यादा कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाने का विचार नहीं है। जब कभी कोविड नहीं रहेगा तो आउट ऑफ स्टेशन भी चलेंगे। और फिलहाल आ गए गंडोला बोट राइड में। ये वर्ड थोड़ा सा मैंने भी कुछ टाइम पहले ही सुना है। आपको दिखाते हैं गंडोला बोट क्या होती है। तो गंडोला बोट के लिए हम लोगों को 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। उसका चार्ज 200 रुपीज़ हम लोगों ने बुकिंग कर दी है और अभी लेकिन 40 मिनट्स वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो बोट आएगी, इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, आप कहाँ बैठे हो? हम तो आज बैठे। काफी लंबी चौड़ी है बोट। हमें लगता है कई लोग बैठ जाते होंगे। 6 लोग मैक्सिमम। अखिलेश ने सब शुरू कराया ना, तो सारी बोटें पहले चलती थी, अब सब खराब हो गई बारी बारी। मेंटेन भी नहीं करा। पेंट तक नहीं करा। पेंट तक नहीं कराते हुए जबकि पैसा सब सरकार को ही जा रहा है। और क्या? ऐसा थोड़ा लगता है टेंडर से 15 लाख रुपए ले रहे हैं कोई। हाँ, और क्या सही बात। ये भी जो आप चला रहे हैं भी बहुत मतलब परफेक्ट नहीं है ना मेरे ख्याल से। तार वार से बाहर ऐसे ही थी कि इलेक्ट्रिक मोटर लगी लग रहा है ना। इलेक्ट्रिक मोटर लगी। और पहले कितनी बोट जब अखिलेश थे तब चलती थी? सब चलती सारी बोट है। एक एक जितनी खड़ी मेरे ख्याल से 10-12 गंडोला खड़ी है ना। अच्छा, उधर वाली झील में कभी नहीं चली ना स्टार्टिंग से ही? उधर जब यही बना था, चलने को हो रहा था लेकिन तब तक फिर शायद सरकार बदल गई ना। ऐसा नहीं, सरकार नहीं होती। हाँ, उधर गहरी जाता है ना। अच्छा, उधर गहरी जाता है। उधर एक दो लोग चलते। ये मैक्सिमम कितनी गहरी भैया? मैक्सिमम 6 फीट है। इसमें पानी हमें लग रहा है जान के कुछ कम रखा भी गया ना कि कहीं कोई साइड जाता है। अच्छा, इस साइड जाता है। अच्छा, ग्रीन पाइप उधर कम है। इधर पानी कम रहेगा तो मोटर पास है। कभी कोई दुर्घटना वटना हुई या कभी नहीं? बहुत पहले हुई। बहुत पहले जब एक नंबर गेट। तो आप लोगों को लेकिन फिर भी आपके जो ठेकेदार होंगे सब स्विमिंग विमिंग आती होगी है ना? कुछ भी अगर होता होगा तो आप लोग बचा लेते होंगे मुझे लगता है। पानी काफी गहरा। हाँ, 6 फीट बता रहे हैं। यहाँ कम है, उधर वाली में ज्यादा है। ऐसे ऐसे तुम्हारे पैर अभी छोटे हैं, वो पैडल तक पहुँचेंगे नहीं। अब 2 कदम चलाओगी फिर थक जाओगी। चलो अगली बार पैडल वाली करा देंगे। ठीक, आज बेटा ये वाली बुकिंग ज्यादा टाइम लगता है, वो तो तुरंत मिल जाएगी बोट। उधर भी वही पैडल वाली खड़ी है, यहां से भी चलती है। पहले चलती रही होगी जब भीड़। अब इधर जो डैमेज हो जाती है। एक एक बोट अच्छी खासी महंगी आती होगी। ये बोट कितने की आती है? 22 लाख। जबकि लकड़ी की बनी है, फाइबर भी है। तो भी सड़ेगी। 22 लाख में अच्छी खासी लग्जरी गाड़ी आ जाएगी। इसकी बनावट भी 70,000 की, पैडल वाली 70-75,000 की। चलो ठीक है, COVID-19 की तुम पोयम ही सुना दो। सुना दो अच्छे से एक्शंस के साथ। नहीं, सुना दो जल्दी से। नहीं, अरे सुना दो। नहीं, सुना अच्छा, दो क्या सुनाना है? हो गई। तो शिवानी गुप्ता 22 लाख की बोट में सवारी करते हुए बोटिंग यहाँ तक कर रहे हैं ना। तो
दोस्तों गंडोला राइड में काफ़ी मज़ा आया, दिश्ता ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं जनेश्वर में गंडोला बोट के, वो 200 रुपये है 20 मिनट का के लिए, और इसमें 4 लोग शामिल होते हैं, और अगर 6 लोग होंगे तो 300 रुपये इसका चार्ज हो जाता है। तो फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मोटराइज बोट है। देखिए सामने भैया चला रहे हैं इसको, और दिश्ता भी काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर रही है। और उसके अलावा पैडल बोट है, पैडल बोट भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर 2 लोगों को चलाना है तो बस 40 रुपये आपको देने, और पैडल बोट भी चला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा। झाड़ू बोट, कौन सी झाड़ू बोट? अच्छा, चप्पू चप्पू चप्पू, उसको चप्पू बोलते हैं। ठीक है, तो बोट राइड हो गई। हम लोग की कोशिश यही थी कि अंधेरा होने से पहले हो जाए तो थोड़ा सा आपको विजुअल्स दिखा पाएंगे, और मुझे लगता है कि विजुअल्स ठीक ठाक आ रहे हैं, हालांकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। सनसेट अभी अभी हो चुका है और ऊपर चांद भी दिख रहा है, ये ना इधर ये फ्लैग ही आ रहा है पीछे, पीछे फ्लैग के साथ। आज हमको बहुत मजा आया। अच्छा, क्यों मजा आया, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हमको तो येलो बोट बहुत पसंद है। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस घर, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, रात के करीब हो रहे हैं 9:30। कल दिश्ता का एग्ज़ाम है और सुबह 7:30 उसकी अटेंडेंस लगेगी, 8:00 से एग्ज़ाम स्टार्ट है ऑनलाइन, तो उसके लिए भी तैयारी करानी है। और थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं अभी और क्या करेंगे, फ़िलहाल बहुत तेज अब थकान हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलाई हो गई है, काफ़ी ज़्यादा एग्जर्शन हो गया है। केक हम लोग ने नहीं काटा क्योंकि केक हम लोग अक्सर वैसे ही रेगुलर काटते ही रहते हैं, तो सोचा कि चलो ठीक है केक आगे पीछे काट लेंगे, और दिश्ता के एग्ज़ाम्स भी थे इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अगर पसंद आया दोस्तों तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @TechnoTapar पे, शिवानी को फॉलो कर सकते हैं @ShivaniSuper पे, और दिशिता को फॉलो कर सकते हैं @KidsDishitaShow पर। और दोस्तों ब्लॉग अगर पसंद आया तो आप हम तीनों लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा चैनल तपन गुप्ता, शिवानी का चैनल सुपर शिवानी, और दिशिता का चैनल किड्स दिशिता शो। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।